हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम 19 पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। पाकिस्तान में काफी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज में काम किया है और इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वो मूवीज बनाने से पहले पहली पसंद रह चुकी। आज हम ऐसे 19 एक्ट्रेस को देखने वाले हैं। नंबर 19, वीना मलिक। वीना मलिक ये काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस रह चुकी है जिसने जिंदगी 50-50, मुंबई 125 किलोमीटर और सुपर मॉडल जैसे मूवीज में काम किया। वो इंडियन टेलीविजन पर काफी बार नजर आई जिसमें बिग बॉस ये उनका पॉपुलर शो रहा। नंबर 18, मीरा। मीरा का असली नाम इर्तिजा रुबाब है। मीरा ने नजर, कसक और 5 घंटे में 5 करोड़ जैसे बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। नंबर 17, लैला खान। लैला खान वफा अ डेडली लव स्टोरी में राजेश खन्ना के साथ लीड रोल में नजर आई। लैला खान 2011 में अपने कुछ फैमिली मेंबर के साथ इगतपुरी के फार्म हाउस में मृत पाई गई। नंबर 16, मथीरा मोहम्मद। मथीरा ये एक पाकिस्तानी मॉडल, सिंगर, होस्टेस और एक्ट्रेस है। उन्होंने काफी सारे टेलीविजन और म्यूजिक वीडियो में काम किया है। उन्होंने इंडियन पंजाबी फिल्म यंग मलंग में एक आइटम सॉन्ग किया है। नंबर 15, सजल अली। सजल अली ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काफी सारे टेलीविजन सीरियल में काम किया है। उन्होंने मॉम इस मूवी में श्रीदेवी के बेटी का काम किया है। नंबर 14, सना नवाज। सना नवाज ये पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने 2007 में सनी देओल के साथ काफिला इस मूवी में काम किया है। नंबर 13, अनीता अयूब। अनीता अयूब ये काफी फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल है। देवानंद ने उन्हें प्यार का तराना और गैंगस्टर जैसे मूवीज में रोल दिया था। नंबर 12, सोनिया जहान। सोनिया जहान ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। वो पाकिस्तानी लीजेंडरी सिंगर नूर जहान की पोती है। सोनिया जहान का कराची में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट कैफे फ्लो है। उन्होंने ताजमहल एंड इटरनल लव स्टोरी, खोया खोया चांद और माय नेम इज खान में काम किया है। नंबर 11, शाशा अगा। शाशा अगा का नाम जारा अगा खान है। वो सलमा अगा की बेटी है। उन्होंने औरंगजेब इस मूवी में अर्जुन कपूर के साथ काम किया है। उसके बाद उन्होंने देसी कट्टे में भी काम किया है। नंबर 10, मोमल शेख। मोमल शेख पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। वो एक्टर जावेद शेख की बेटी है। उन्होंने हैप्पी भाग जाएंगी इस मूवी में काम किया है। नंबर 9, मीशा शाफी। मीशा शाफी सिंगर, एक्टर और मॉडल है। उन्होंने भाग मिल्खा भाग इस मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल किया है। नंबर 8, सारा लोरेन। सारा लोरेन का असली नाम मोनालिजा हुसैन है। वो एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने हिमेश रेशमिया के अपोजिट में कजरा रे इस मूवी में काम किया। उसके बाद उन्होंने मर्डर 3 इस मूवी में काम किया है। नंबर 7, मावरा हुसैन। मावरा हुसैन पाकिस्तानी मॉडल
और एक्ट्रेस है। उन्होंने हर्षवर्धन राणे के अपोजिट सनम तेरी कसम इस मूवी में काम किया है। मौरा ने इंडियन फिल्म फैंटम इस मूवी के पाकिस्तान में बैन पर ट्वीट किया था, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में आ गई थी। नंबर 6, हुमैमा मलिक। हुमैमा मलिक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने इमरान हाशमी के अपोजिट में राजा नटवरलाल इस मूवी में काम किया है। नंबर 5, सबा कमर। सबा कमर पाकिस्तानी मूवी और टेलीविजन एक्ट्रेस है। ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। सबा कमर ने इरफान खान के अपोजिट में हिंदी मीडियम इस मूवी में काम किया है। नंबर 4, महिरा खान। महिरा खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। उन्होंने काफी पाकिस्तानी फिल्म्स और ड्रामा में काम किया है। उन्होंने शाहरुख खान के अपोजिट में रईस इस मूवी में काम किया है। नंबर 3, सोमी अली। सोमी अली बॉलीवुड एक्ट्रेस, फिल्म मेकर, मॉडल, राइटर और एक्टिविस्ट है। उन्होंने अंत, यार गद्दार और आंदोलन जैसे मूवी में काम किया है। सोमी अली और सलमान खान का 8 इयर्स का रिलेशनशिप रहा। नंबर 2, जेबा बख्तियार। जेबा बख्तियार पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस है। उनको राज कपूर ने पहली बार बॉलीवुड मूवीज में ऋषि कपूर के अपोजिट में हिना इस मूवी में रोल दिया। जेबा बख्तियार ने अदनान सामी से शादी की और 1997 में उनका डिवोर्स हो गया। नंबर 1, सलमा आगा। सलमा आगा ने 1980 से 1990s में इंडियन फिल्म्स में काम किया है। उनकी पहली फिल्म निकाह काफी हिट रही। उन्होंने काफी मूवीज में काम किया। निकाह के बाद पति पत्नी और तवाइफ ये उनकी दूसरी हिट मूवी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस पता है और आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।